हमारे साथ अभी उत्तराखंड की वो शख्सियत मौजूद हैं जिनकी आवाज से गढ़वाल का पूरा जो गढ़वाल की धड़कन है वो चलती है। तो सर तो हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी। तो सर आज आप इतने सक्सेसफुल हैं, आपकी आवाज़ जो है हर यूथ, आप एक यूथ आइकन की तरह हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? भाई यूथ तो अब कहाँ रह गया मैं, लेकिन हाँ यूथ था मैं भी। तो अब जो नवयुवक हैं उनको तो यही मेरा निवेदन कर सकता हूँ मैं आज के बच्चों से कि अपने अपने कल्चर, अपने संस्कृति, अपनी बोली भाषा, अपनी परंपराओं से जुड़े रहें और इसे आगे बढ़ाएं। ये हमारी विरासत है, इस विरासत को छूटने न दें, इस विरासत को मरने न दें, इसे आगे बढ़ाएं और यही हमारी पहचान भी है। तो हमें अपनी विरासत की संजोकर रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को सौंपना चाहिए, जैसे कि हमारे पुराने हमको सौंप गए। सर आज का जो युवा है, खासकर देहरादून के युवा की बात करूँ, देहरादून हल्द्वानी जो दिल्ली तक पहुंच चुका है, मगर जो अपनी संस्कृति उससे पीछे हटता जा रहा है। आपके जो पहाड़ के जो गाने होते हैं बिल्कुल पहाड़ की मिट्टी से छूते होते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि आज संसाधन ऐसे हो गए हैं, इंटरनेट का ज़माना है और टीवी के इतने चैनल्स हैं, पूरे देश ही नहीं विदेश के भी कल्चर इसमें देख बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका मिश्रण तो होना ही होना है। लेकिन हमारी अपने जो विरासत, जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो भाषा है, वो इस घालमेल के बीच में कैसे बची रहे, कैसे हम उसको जीवित रखें, कैसे उसको लेके आगे बढ़ें और अपने जीवन में उसको मिलाएं, तो ये प्रयास नए बच्चों को भी करने चाहिए। और दुनिया भर की संस्कृति से आप उन्हें रोक नहीं सकते, जो दुनिया भर की जो कल्चर इन माध्यमों से दिखाया जा रहा है वो देखेंगे ज़रूर, लेकिन अपने कल्चर को, अपनी विरासत को इसके बावजूद संभाल के रखें, यही मैं निवेदन करना चाहूँगा नई पीढ़ी के बच्चों से। सर अगर मैं आपको आज से 30-40 साल पहले ले जाऊँ, जब आपकी शादी हुई, जो पत्नी होती है जीवन भर जीवन संगनी होती है, उनके बारे में बताइए, आपसे उनसे कैसे मिलना हुआ, उस समय तो अरेंज मैरिज चलती थी, उसके बारे में बताइए। अरे अब तुम्हें ये भी आश्चर्य होगा कि हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं, केवल वेदी में ही दर्शन हुए कि मैं हमारी शादी कहाँ किसके साथ हो रही है, और मेरी वाइफ को भी वेदी में ही पता चला कि ये कौन लड़के के साथ मेरी शादी हो रही है। तो ये बहुत पुराने ज़माने की बात तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसी ढंग से शादी किया।